अंग्रेजों के जमाने का आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आज हम आपको अंग्रेजों के जमाने का अस्पताल दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सफेद और लाल सुर्ख रंग से सजी धजी बिल्डिंग किसी समय में अंग्रेजों ने बनवाई थी। इसे अंग्रेजी बैरक भी कहा जाता रहा है। इस बैरक के एक कक्ष में बहुत पहले अस्पताल हुआ करता था, जो रखरखाव के अभाव में खंडर होता जा रहा था। लेकिन खंडवा पुलिस की मेहनत से अब इस अस्पताल को वापस शुरू किया गया है, जहां पुलिस परिवार इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। खंडवा के पुलिस रक्षित निरीक्षक पुरुषोत्तम बिश्नोई ने अपने वरिष्ठ अफसरों की मदद से इस बिल्डिंग का न सिर्फ कायाकल्प किया, बल्कि इसके वास्तविक रूप में पहचान भी दिलाई है। इतना ही नहीं, इसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मुताबिक भी बनाया गया है, ताकि आने वाले संकट से आसानी से लड़ा जा सके। यहाँ लगभग 12 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई दी गई, साथ ही 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही जरूरी दवाएं और डॉक्टर्स नर्स सहित स्टाफ भी मौजूद। डॉक्टर पारु तिवारी साहब की पोस्टिंग कराई और एक स्टाफ नर्स की हमने इसमें जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से हमें मिली, और कंपाउंडर हमने इसको कलेक्टर रेट पर हमने एक बी फार्मा किया हुआ है, अच्छे वेल नॉलेजेबल हैं, उनको हमने भर्ती किया इसमें। और इसके बाद अभी हमारा हॉस्पिटल इस कोविड में काफ़ी पुलिस कर्मचारी का जो पौने 400 के लगभग फैमिली यहाँ रहती है, उन लोगों को सपोर्ट मिला इससे। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसको हमने अभी रिनोवेट किया, इसका ऊपर प्रोफाइल सीट डाली, इसको पुराने लुक में जैसा था वैसे लुक में लेकर आए इसको। और अभी 12 बेड का इसमें ऑक्सीजन का पाइपलाइन की फिटिंग भी कराई हमने, और इसमें आगे आने वाले समय में जो हमारे पास में CSR फंड से जो है प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ICU और भी ज़्यादा और सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 4 कंसंट्रेटर हैं और अच्छा वेल ट्रेंड स्टाफ है, तो हम काफ़ी खुश हैं। अभी फैमिली वाले सारे हैप्पी हैं, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और हमें खुशी है। डेली मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 तक OPD हमारे यहाँ आ जाती हैं। इस खंडहर को सुसज्जित अस्पताल में बदलने पर जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने भी तारीफ की। SP ने बताया कि पहले से एक पुलिस अस्पताल स्वीकृत था, लेकिन किसी कारण से वो शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन रक्षित निरीक्षक और अन्य अधिकारियों ने बेहतर प्रयास कर इसे शुरू किया है। जो पुलिस हॉस्पिटल खंडवा जिले में स्वीकृत था पहले से, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चल नहीं रहा था। डॉक्टर्स नियमित नहीं थे यहाँ पे, नर्सेज नहीं थी, लेकिन पिछले कोरोना फर्स्ट वेव की देखते हुए लगातार यहाँ पे RI और अन्य अधिकारियों ने यहाँ पे प्रयास किया था, जिसके बाद हमें एक फुल टाइम एक जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पर तिवारी यहाँ पे, वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, और इसके साथ साथ एक नर्स नियुक्त की गई है। उसके बाद हमने एक अलग से अपने पुलिस प्रक्रिया में एक वार्ड बॉय को भी हमने उसमें किया है, और धीरे धीरे इसकी सुविधाएं हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सिंगल बेड था, और लेकिन PHQ के निर्देशानुसार, DGP सर के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे एक 10-12 बेड का हमने एक ऑक्सीजन युक्त पूरे बेड्स को हमने यहाँ पे एक वो बनाया है, ताकि अगर कोई थर्ड वेव वगैरह जैसी स्थिति निर्मित होती है तो हमारे पुलिस कर्मियों को कहीं इधर उधर जाने की कम आवश्यकता पड़े, और छोटे जो मिनिमम लेवल की जरूरतें हैं CCC टाइप की, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इस अस्पताल के शुरू होने से पुलिस परिवार भी खुश है, अब उन्हें इलाज के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हॉस्पिटल अब सुविधाएं यही मिल रही है आप लोगों को? हाँ, सारे। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले जिला अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो जाता है, BP वगैरह, शुगर वगैरह, सारे टेबलेट वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, सारी सुविधा यहाँ पर है, सब कुछ मतलब यहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाता है। मैडम, आज पूरा दिन भर का टाइमिंग पड़ेगा क्या, मतलब किस तरह का इलाज मिलता है और लोगों को क्या फ़ायदा है आप पुलिस लाइन से सभी लोगों को? यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटी है, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। डॉक्टर वगैरह सब अच्छे हैं। मैडम मरीना मैडम, वो भी बहुत अच्छे हैं। पर्व तिवारी सर हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पर। नाम बताया था आपका? साधना। कुल मिलाकर खंडवा पुलिस के जवानों ने जहां चाहा वहां रहा की बात को साबित करके दिखा दिया है, जिन्होंने खंडहर को एक शानदार अस्पताल में तब्दील कर दिया। पंजाब केसरी TV के लिए निशाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।